Hello everyone, welcome to Kriyati Arts. So today we are going to make paper folder. So let's begin. अब हम एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर लेंगे जिसकी मेजरमेंट रहेगी 14 inches by 21 inches. अब हम मेजर करते हुए 8.5 inches पर दोनों साइड में मार्क्स लगाएंगे और उन मार्क्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे. अब हम इस लाइन पर स्केल रखते हुए पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे. ये ऊपर का जो पोर्शन है, जो फ्लैप है, उसे फोल्ड करते हुए उसकी क्रीज बना देंगे. अब हम इसे साइड में रखेंगे और दो पेपर्स ब्लैक कलर के लेंगे जिनकी मेजरमेंट होगी 8.5 इंचेस बाय 7 इंचेस. अब हम इन दोनों पेपर्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे. अब इन दोनों पेपर्स को हम खोलेंगे और क्रीज देखते हुए इसको फैन की शेप में फोल्ड करेंगे. अब जो पेपर हमने पहले फोल्ड किया था उसे लेंगे, उसको ओपन करेंगे और साइड में ग्लू लगाते हुए दोनों ही साइड में उन फैंस को स्टिक कर देंगे. अब हम ऊपर की तरफ ग्लू लगाएंगे और इसके कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हुए फोल्ड कर देंगे. अब हमारा फोल्डर रेडी है तो अब इसे हम डेकोरेट करते हैं. सो फॉर दैट वी आर यूजिंग अ प्रिंटेड पेपर. तो हम पहले एक प्रिंटेड पेपर लेंगे जिसका साइज रहेगा 8.5 बाय 14 इंचेस. अब हम ग्लू लगाते हुए इस पेपर को इस तरह से स्टिक करेंगे. अब हम फोल्डर को टर्न करेंगे और उसके बैक साइड पे अगेन एक प्रिंटेड पेपर जिसका साइज रहेगा 12 इंचेस बाय 6 इंचेस. अब
अब हम ग्लू लगा के इसे 3 साइड से स्टिक कर देंगे और इसे एक पॉकेट का लुक देंगे। अब हम अपने फ्लैप पर एक शेप बनाएंगे और उसे कट करेंगे। अब हम बीड्स का यूज करते हुए अपने फ्लैप को डेकोरेट करेंगे। अब हम एक रिबन लेंगे और उससे बो बनाएंगे, उस पर एक फ्लावर स्टिक करके उसे अपने फोल्डर पे स्टिक कर देंगे। So here our beautiful paper folder is ready. I hope you like this folder. Thanks for watching.